माय लॉर्ड, ये केस एक फंडामेंटल राइट के वायलेशन का केस है। रास्ता दीजिए, रास्ता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमलेश कुमार करंबादी, फिल्म समीक्षा के साथ, और आज हम बात करेंगे फिल्म कागज 2 की। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले 2021 में आई फिल्म कागज, जो कि फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई थी, और उस फिल्म में पंकज त्रिपाठी और सतीश कौशिक को देखा गया था, जहां उस फिल्म में सतीश कौशिक एक वकील के रूप में नजर आए थे और पंकज त्रिपाठी एक आम आदमी के रूप में, यानी कि एक बैंड वाले के रूप में नजर आए थे। जी हाँ दोस्तों, जो कागज पे तो आदमी मर जाता है, लेकिन वो जीवित होता है, और उस कागज को बदलाने के लिए वो शासन, प्रशासन, पुलिस हर जगह गुहार लगाता है, लेकिन उस कागज को बदला नहीं जाता है, और उसे मृत घोषित ही बताया जाता है। तो वहीं कुछ लोग उस पर हंसते हैं और उसके मरने की बात करते हैं कि तुम तो अब अपने नाम के आगे मृतक भी लगा लो। जी हाँ, इसी कड़ी में 1 मार्च 2024 को अब फिल्म आई कागज 2, और इस फिल्म को रिलीज किया गया है सिनेमा घरों में। और इस फिल्म में सबसे बड़ी बात यह है कि इस फिल्म में दिवंगत अभिनेता सतीश कौशिक और अनुपम खेर दर्शन कुमार देखने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, दर्शन कुमार इसमें मुख्य भूमिका के रूप में है। तो वहीं इस फिल्म में दो परिवारों की अलग कहानी को दिखाया गया है। इस फिल्म में यह दिखाया गया कि राजनीतिक पार्टियों के चलते कैसे जगह जगह पर रैलियां, धरने, प्रदर्शन और रोड बंद, हड़ताल या इस तरह के तमामों हड़ताल होते रहते हैं, जिसमें पिस्ता कौन है, आम आदमी ही। और इसी के चलते एक पॉलिटिकल रैली होती है, जिसमें सतीश कौशिक अपनी बेटी को हॉस्पिटल के लिए ले जा रहे होते हैं, और सामने से एक पॉलिटिकल रैली गुजर रही होती है, जिसके चलते उन्हें रास्ता नहीं मिल पाता, और वह समय पर अपनी बेटी को अस्पताल नहीं पहुंचा पाते, जिसके कारण उनकी बेटी उनसे हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाती है। और इस बात का मलाल लिए हुए ये गुहार लगाते हैं प्रशासन से, और इसके लिए ये दरवाजा खटखटाते हैं अदालत का। तो वही दूसरी तरफ एक व्यक्ति है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ आपको, कि दर्शन कुमार है इस फिल्म में मुख्य भूमिका के रूप में, जिनका नाम उदय है, जिन्हें किसी कारणवश उनके पिताजी छोड़कर चले जाते हैं, जिससे उनकी माँ और वो काफ़ी परेशान होते हैं, और इसी के चलते वो यहाँ तक कि भारतीय आर्मी में जवान बन जाते हैं, जहाँ सरहद पर जाते हैं, लेकिन उनका उस काम में भी मन नहीं लगता है और वो वापस आ जाते हैं। और ये फिल्म इस तरह से दिखाती है कि क्या उदय अपने पिता से मिलेगा तो उन्हें माफ करेगा, या एक बाप जो अपनी बेटी के खातिर गुहार लगा रहा है उसके प्रशासन सुनेगा। और इसी मुहिम को चलते हुए दर्शन कुमार यानी कि उदय सोशल साइट्स की मदद लेकर के लोगों को अपने साथ एकजुट होने की बात करते हैं, और कहते हैं कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी संगठन या किसी किसी पार्टी के द्वारा जो धरना किया जाता है या आम जगहों को रोका जाता है, अवरोधित किया जाता है, तो क्यों किया जाता है? अगर उनसे किसी आम आदमी को कोई परेशानी हो रही है तो वो हमारे साथ जुड़े और इस मुहिम में हमारा साथ दें। तो वहीं इस फिल्म में एक बहुत ही यादगार मोनोलॉग है, जो सतीश कौशिक का है, अदालत में होता है वकील साहब के सामने, जहां वो अपनी बेटी को लेकर या अपनी पीड़ा को लेकर के बात करते हैं। वो डायलॉग आपको एकदम अंदर से झकझोर देता है और आपको सोचने पर मजबूर कर देता है कि आम आदमी और खास आदमी में क्या अंतर है, और एक बीच की जो खाई है वो कितनी गहरी है, जिसे कभी काटा नहीं जा सकता। और इस तरह के प्रशासन पे सवालिया निशान उठाती हुई यह फिल्म है। और तो वहीं इस फिल्म में अगर हम पॉलिटिकल लीडर की बात करें तो कहते हैं ये हमारा धंधा है और इसे हम कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये हमारा एक तरह का धंधा है और इस धंधे को हम बंद नहीं कर सकते, जिसमें एक तरीके से समाज का एक दूसरा पहलू दिखाया गया है कि कैसे पॉलिटिशियंस या कैसे प्रशासन आम आदमी को पीसता। और सबसे मजे की बात तो ये है कि इस फिल्म में
सतीश कौशिक एक निर्माता के रूप में है और इस फिल्म का डायरेक्शन किया है बी के प्रकाश ने। तो वहीं अगर हम कागज फिल्म की बात करें जो 2021 में आई थी, उसका डायरेक्शन सतीश कौशिक ने ही किया था। जी हाँ दोस्तों, ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी कागज की और कागज 2 और इस फिल्म में। इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और फिल्म के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।